के उपलक्ष्य पर कुल्लू देव सदन में सूत्रधार कला समागम द्वारा होली गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि को शाल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। होली गायन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को संजो कर रखना था। कुल्लू के देव सदन में आयोजित किए गए होली गायन कार्यक्रम का शुभारंभ कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने किया। यह कार्यक्रम सूत्रधार कला संगम द्वारा आयोजित किया गया। होली गायन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रही संस्कृति को संजो कर रखना है। इस दौरान होली उत्सव को लेकर गीत भी गाए गए। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने सूत्रधार कला संगम की जमकर प्रशंसा की और कहा कि वे इस होली गायन कार्यक्रम को देखने के लिए आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान अद्भुत कला संगम देखने को मिला है। जब बढ़ती है तो आदमी एक पहचान होती है, तो निसंदेह जो इनका कार्यक्रम होगा, जो मैं हर साल देख रहा हूँ, पिछले साल भी मैं इनके कार्यक्रम में था और मुझे कई बार बचपन से मैं भाई दिनेश सैन जी और इनकी टीम एक एक व्यक्ति का नाम लूँ तो हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो कला संगम आज अकादमी बना है, ये तो बहुत बड़ी बड़ा सफर इन्होंने तय किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम जो ये पूरी टीम है, पूरा सहयोग हमारा रहेगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़ी उम्मीदें हैं हमसे इनको है, इनसे हमको, हमारे जो जनता चाहती है कि अब ये जो इंडोर से ये जो सूत्रधार कला संगम अकादमी की ओर जो पहुंच चुकी है, अब ये जो इंडोर में होली संध्या होती है, ये इंडोर में नहीं होगी। अगली बारी मैं अनुरोध करूंगा इनसे कि आउटडोर बहुत खूबसूरत हजारों की संख्या में सभी होली का जोम ऐसा बढ़ता रहे और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 20वीं है, 21वीं सदी है, 21वीं जो होली उत्सव मनेगा तो खुले प्रांगण में मनेगा। भरपूर सहयोग मेरी तरफ से रहेगा और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सभी कुल्लू वासियों को होली के लिए और ख़ासतौर पर प्रोत्साहन के लिए सूत्रधार कला अकादमी को। सूत्रधार कला संगम के सदस्य दिनेश सहल ने कहा कि कुल्लू की विलुप्त हो रही संस्कृति को कुल्लू वासियों ने संजो कर रखा हुआ है, जो कि होली गायन कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल्लू में होली गीतों के गायन की परंपरा बहुत पुरानी है। रघुनाथ जी के आगमन के साथ साथ वैरागी समुदाय का भी यहाँ आगमन हुआ कुल्लू में सदियों पूर्व। तब से यहाँ ब्रज और अवध की तर्ज पर होली गायन होता रहता था, घरों में महफिलें सजाई जाती थी। ये सिलसिला बसंत पंचमी से लेकर होली का दहन तक चलता था, लेकिन समय की गति के साथ साथ ये समृद्ध परंपरा विलुप्त होने जा रही थी। ऐसे में आज से दो दशक पूर्व सूत्रधार कला संगम ने ये बेड़ा उठाया कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन करें। तो आज ये 20वीं होली संध्या के रूप में कुल्लू के ऐतिहासिक देव सदन ढालपुर में सूत्रधार 20वीं होली संध्या का यहाँ कार्यक्रम बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुल्लू सदन के विधायक ठाकुर सुंदर सिंह जी ने आके इसमें शिरकत की और हमारा आर्थिक रूप से भी सहयोग किया और उसके साथ साथ मीडिया का, यहाँ शासन प्रशासन का और कला प्रेमियों का सदैव हमें सहयोग मिलता रहा है। उनकी प्रेरणा से पिछले 41 वर्षों से सूत्रधार अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे निवेदन भी है कि 28 फरवरी और 1 मार्च को कुल्लू में जो होली मनाई जानी है उसे शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, किसी को बेवजह कोई तंग ना करें और अपने हर्षोल्लास से इस पावन पर्व को हम संपन्न करें। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए कुल्लू से लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट।